तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मोहन शर्मा किड्स क्लासेज। बच्चों, हम सीख रहे हैं वैदिक मैथ्स। आज के अब नया फॉर्मूला सिखा रहे हैं आपको। पहले हमने वीडियो में देखा था कि जैसे 66 और 64 की मल्टीप्लाई है, इसमें क्या था, ये टेंस डिजिट तो सेम था और यूनिट डिजिट का ऐड करते हैं तो 10 आता था। तो ये हमने पिछली वाली वीडियो में सीखा था। अब की बार क्या है, यूनिट डिजिट सेम है और टेंस डिजिट को अगर ऐड करें तो 10 आता है। ऐसे सम अगर आ जाए तो किस मेथड से करने हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 6 द 36 लिख देंगे। यहाँ पर क्या 7 है और 3 है, इसको ऐड करते हैं तो 10 बनता है, इसलिए इसको 7 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 21। 21 में अब हम क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे 27। अब दूसरा सम भी देख लीजिए, इसमें 28 है, यूनिट डिजिट सेम है और 10 डिजिट को ऐड करते हैं तो 10 आता है। तो इसको भी इसी फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 द 64, 8 2 द 16, 16 में 8 ऐड कर देना है ये वाला 24, ठीक है। अब ये भी इसी फॉर्मूले से करेंगे, 29, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर इसको ऐड करें तो 10 है, 9 9 द 81, और 8 2 द 16, 16 में क्या करना है, 9 ऐड कर देना है, 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, 7 है, 7 है, 8 को और 2 को ऐड करते हैं तो 10 है, 7 7 द 49। अब क्या करेंगे, 8 2 द 16, 16 में 7 ऐड कर देना है 23। यह 84 है, 24 है, 8 और 2 को ऐड करते हैं तो 10, यहाँ पर 4 है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 2 8 द 16, 16 में क्या ऐड करना है, 4 20। तो यहाँ पर भी 46 है, यहाँ पर 66 है, तो 6 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 36, 4 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 में क्या ऐड करना है, 6 30। तो बच्चों, ये मैंने सम आपको करके दिखाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बार बार करेंगे, और ये टू सम आप अपने आप कीजिए, मेरे को कमेंट भेजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, बाय।